नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। इस कहानी का शीर्षक है जिम्मेवार कौन। भारत में हो रही दुखद रेल हादसों के संदर्भ में भी इसे समझा जा सकता है। आपकी समझ विकसित करने में यह कहानी मदद करेगी कि हो रहे रेल हादसों में मानवीय भूलों के लिए आखिर जिम्मेवार कौन है। जाहिर सी बात है कि जिनके ऊपर जान बचाने की जिम्मेवारी है, अगर वो काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो इस तरह के हादसे टल सकते हैं। इस कहानी के जरिए इसे हम समझेंगे। प्राचीन समय में एक राजा ने पुण्यार्थ 100 ब्राह्मणों का भोजन करवाने का आयोजन किया। भोजन जहाँ तैयार हो रहा था, उसी दौरान आसमान से उड़ती हुई चील, जिसके पंजों में पकड़ा हुआ था सांप, वह अपनी सुरक्षा के लिए छोड़ता है जहर, और वह जहर आकर के तैयार हो रहे भोजन में गिर जाता है। रसोइयों को इस बात का भान नहीं था और वह भोजन तैयार करके वह निरीक्षणकर्ता के पास भेज देता है। निरीक्षणकर्ता बिना जांच किए ही उस भोजन को वेरीफाई कर देता है और ब्राह्मणों के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। 100 के 100 ब्राह्मण उसे खा करके काल कल्वित हो जाते हैं, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 100 ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या का आखिर दोषी कौन? क्या वो चील जो सांप को ले जा रही थी? बिल्कुल नहीं, वह तो अपना भोजन ले जा रही थी। तो क्या वो सांप जिसने जहर छोड़ा? नहीं, उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास उपस्थित उपाय को उपयोग में लिया। तो क्या रसोइये को इस बात का पता ही नहीं था? अगर होता तो वह सूचना दे देता या फेंक सकता था। तो क्या वो ब्राह्मण? नहीं, क्योंकि वो अतिथि थे, उन्होंने राजा के बुलावे पर आकर के भोजन ग्रहण किया। तो क्या राजा की नियत साफ थी, वह पुण्यार्थी कार्य कर रहा था, तो फिर कौन? जाहिर सी बात है, आप और हम सब समझते हैं कि वह निरीक्षणकर्ता जिसके कंधों पर यह जिम्मेवारी थी कि वह भोजन की प्रॉपर टेस्टिंग करें और उसके बाद ही भोजन प्रस्तुत करें, लेकिन उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया तो यह हादसा। ठीक वैसे ही मानव जनित होने वाले फूलों की वजह से हो रहे हादसों के लिए जो भी मानव जिम्मेवार है, वो जाहिर सी बात है अपना काम ईमानदारी से तो नहीं कर रहा है। अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहा होता तो क्या ऐसे हादसे होते? जो ये काम ईमानदारी से कर रहे हैं उनको पूरे दिल से सैल्यूट, लेकिन जो काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं वो ये समझ सकते हैं कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है और इस भूल की भरपाई हो नहीं सकती। आपकी क्षमा मांगने या वो मतलब कहना चाहिए कि यह अक्षम्य है। आपके ऊपर कितना बड़ा एक मृत्यु या हत्या का एक आरोप लगे तो भी वो कम है। इसलिए जिनके ऊपर इस तरह की जिम्मेवारी है, वह जिम्मेवारी अगर ईमानदारी से निर्वहन करते हैं तो ही हादसे टलेंगे, अन्यथा इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति की खबरें हम तक आती रहेगी और हम अफसोस करते रहेंगे। ये बात सब तक जाए इसके लिए आप भी अपनी जिम्मेवारी उठाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।